तो जी हम लोग कॉफी एंजॉय कर रहे थे तभी आज की ताजा खबर निकली है। हम दोनों को जो है एसी के ब्लोअर से डाउट हो रहा है कि चूहे के मरने की स्मेल आ रही है, तो हमें लग रहा है कि कहीं आगे बोनट में चूहा तो नहीं मर गया, और अब तो बढ़ती जा रही है अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, और बज रहे हैं सुबह के 8, और आप सोच रहे हो ये प्राणी कैसे जगा हुआ है, तो ये पौने आठ। अच्छा, 15 मिनट का एडवांटेज बताओगी कि भाई 15 मिनट तुम ज्यादा बता रहे हो। तो भाई ये आदमी आज इसलिए उठा हुआ है क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, मतलब की आ ही गई, कुछ घंटों में आ ही जाएगी। तो हमने प्लान किया कि भाई अपनी एनिवर्सरी के लिए एक छोटा सा तो अपना ट्रिप होना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग जाएंगे। सबसे पहले पहली जगह का नाम बताऊं, दूसरी का नहीं बताऊंगा, ठीक है? हम जाएंगे दो जगह, दूसरी आपको अपने आप पता चल जाएगी। पहली जो हम जाने वाले हैं वो है सेम खोपोली, जहां हम लोग अभी कुछ दिन पहले गए थे कोको चेरी कैंडी के साथ, लेकिन इस बार हमने कुत्तों को साथ में नहीं लिया क्योंकि हम अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते थे अपना साथ में एनिवर्सरी का। और आज खोपोली में हम लोग करने वाले हैं एक बड़ी ही नई चीज, वही नहीं करने वाले हैं जो पिछली बार किया था, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग को दिखाने के लिए भी और करने के लिए भी। पहले पहुंच तो जाए, जैसे आप देखिए दोस्तों मेरे बाल देखो जरा, अच्छे लग रहे हैं। आई एम ऑल्सो क्वाइट हैप्पी विद माई हेयर। बस कॉफी एक बार पिकअप कर लेना बस। तुम्हें पता है हमें 7 बजे निकलना था। Maybe there were circumstances. Like there are always situations at home. और तुमने कैंडी को बाय नहीं किया, मैं मिल के आई हूँ। मैंने बाय इसलिए नहीं किया ना, फिर मेरे को ज्यादा दुख होता है। तुम घंटा दुख होता है। चलो एक बार जरा कॉफी पिकअप कर ले, फिर मिलते हैं आपसे। और जब तक ये व्लॉग आपके पास आएगा हमारी एनिवर्सरी वगैरह सब शायद निकल चुकी होगी, बट ठीक है कोई बात नहीं, पहले व्लॉगिंग कर ले उसके बाद आप तक पहुँचेगा ये सब, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है, तो हो सकता है व्लॉग बंद हो जाए लेकिन अपलोड ना हो पाए। तो वन मैन आर्मी है ना, वन मैन आर्मी, इतना कुछ करूँ मैं। अच्छा, तुम अपने बारे में बात कर रही थी। मुझे लगा आज बड़ा प्रेस किया है मुझे कि मेरा बेबी वन मैन आर्मी है, सब कुछ अकेले करता है। मैंने कहा आज मुझे मेरे जीवन का पूरा ड्यू मिला है, लेकिन ये तो तुम अपनी बात कर रही थी। तो जरा ये वन मैन आर्मी बताएगी कि ये कौन से कैमरे पे शूट करता है और कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिट करता है ब्लॉग। कैमरा तो कैनन 150D है। 150D? अच्छा, और जो सॉफ्टवेयर है वो है MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। MCDL। मुझे इसके फुल फॉर्म में गाली दिखाई दे रहा है। आप बताना चाहेंगी या कैमरा बंद करके मैं ही बताऊं? Maybe, but it is so different traveling without kids. खाली हो गई गाड़ी एकदम। खाली हो गई कितना, वो भी तो हो गया ना, क्या सुकून गया? देखा सुकून, यही मैं सुनना चाह रही थी कि तुम्हें बच्चे ना आए ये सुकून है। नहीं नहीं बेबी, दोनों के फायदे नुकसान है, उनके आने के भी और ना आने के भी। गलत बात ना करो, नुकसान कोई नहीं होता बच्चे का। अब देखो अगर इसमें एक और आदमी कम हो जाए तो मैं और ज्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, पता है तुम्हें बात। हाँ हाँ, फिर तो एकदम पीस ही पीस हो जाएगा। भागते हुए आ जाओ। नहीं फिर मेरे पीस पीस हो जाएंगे ना। मुझे लग रहा है स्टारबक्स अभी बंद है क्योंकि अभी टाइम हुआ ही नहीं खुलने का। लाइटें बंद है, मतलब बंद है, लाइटें खुली है। लाइटें खुली नहीं हो सकती, जली हो सकती है, ठीक है? सफाई हो रही है बेबी, कॉफी नहीं मिलेगी अभी। मैं देखती हूँ, मैं पता करती हूँ। लेकिन तुम्हें तो मशीन चलानी आती है ना उनकी, खुद ही बना लेना। कुछ ना कुछ करती हूँ। खुला है? वो नैना है इसलिए देरी है। आज बना है माहौल घूमने का क्योंकि हम निकले हैं सुबह सुबह 8 बजे और सड़कें गीली हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और मुझे लग रहा है कि अब प्रॉपर वाला मॉनसून आया है। इस साल बॉम्बे में बहुत कम बारिश हुई है, महाराष्ट्र में पूरे एक्चुअली। अब शायद मुझे लग रहा है जम के ये जो हम जा रहे हैं इसमें हमें मॉनसून का मजा लेने को मिलेगा। पहले ये पकड़ा दो। हाँ। बेबी आज मैं तुमको थैंक्स बोलना भूल गया कि तुम आज अपने आप बिना बोले मेरे लिए टम्बलर लेके आई हो। हाँ मैं टम्बलर लेके आई, तुम्हें वो नहीं था अंदर से। मैंने कहा अच्छा मैंने थैंक्स बोला तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? नहीं मतलब तुमने और दुख जताया उस पे। मैं खुश हूँ इस बात पे कि तुम्हें कम से कम रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे लिए टम्बलर लेके आई हूँ। एसी बहुत ज्यादा ठंडा है बेबी, क्या कर रहे हो? एसी ठंडा ही होता है बेबी। नहीं ज्यादा ही हो गया है। चलिए कौन सा रास्ता पकड़ेंगे हम? जो आपको पता हो। कोई भी नहीं पता मुझे तो चलिए यू टर्न ले लीजिए, चलते हैं घर की छत पे। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग कॉफी लेके निकले हैं यहाँ से, वे पेट्रोल आगे से नहीं भाई भरवा लो, अब तुमको कोई जल्दी भी नहीं, नहीं, है नहीं, नहीं, नहीं मेरे को मुंबई काटना है। अभी सौरभ से मैं बाद में बात करता हूँ, पहले आप लोग को बता दूं कि जो सरप्राइज हम आपको देने वाले थे वो हमें मिल गया है वो हो गया है कैंसिल। तो अब कैंसिल हो ही गया तो मैं आपको बता दूं, खोपोली तो हम लोग जा रहे हैं। हमारा प्लान ये था, मैंने अभी अभी दानिश को मैसेज किया कि हम लोग निकल चुके हैं
और जैसे ही मैंने फोन खोला उसका ऑलरेडी मैसेज आया हुआ था। एक्चुअली हम लोगों के लिए दानिश ने आज रैपलिंग अरेंज किया था। मैं भी ये पहली बार सुन रहा हूँ वर्ड, लेकिन जो लोग शायद ट्रैकिंग करते होंगे उनको पता होगा। आप माउंटेन के ऊपर से अपनी बॉडी पे एक रोप बांध के नीचे की तरफ उतरते हो वॉटरफॉल से। लोगों को पता है, बताओ आगे बताओ। वो करना था हमें और हम बहुत एक्साइटेड थे उसके लिए। मैं तो एटलीस्ट था, क्योंकि जैसे ही कैंसिल हुआ इसके चेहरे पे कोई दुख नजर आया नहीं। इसने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि पहले से डरी हुई थी कि ये कैसे होगा। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए हिम्मत करी थी, अब तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने मना किया था। इसके लिए मैं कितना स्पोर्ट्स शूज वगैरह पहन के आया था। बाती में भी जिंदगी में देखो चीजें तो होती है। तुम तो खुश लग रही हो इन चीजों से, पता है। खैर कोई बात नहीं, प्लान तो बाकी हमारा एज इट इज है और उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। लेकिन मैं इस औरत से कह रहा हूँ कि पहले पेट्रोल भरवा ले, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, और ये रास्ते में धक्का लगवाएगी मर्सिडीज को और लोग समझ जाएंगे कि ये हमारी नहीं हो सकती। नहीं नहीं, क्यों, खरीदने वाले भी करते ही है ना ये। जो खरीदने वाले ना वो ध्यान रखते हैं गाड़ी का, उसमें पेट्रोल रखते हैं, उसकी नहीं देखा फिर तुमने, उसकी मेंटेनेंस रखते हैं। एंड तक उसका आखिरी बूंद नहीं सूख जाती ना, वो पेट्रोल नहीं भरवाता। क्या बात कर रही है, उसने हमेशा रास्ते में गाड़ी रोकी है। क्या बात कर रही हो, हमेशा। तो जी हम लोग कॉफी एंजॉय कर रहे थे तभी आज की ताजा खबर निकली है। हम दोनों को जो है एसी के ब्लोअर से डाउट हो रहा है कि चूहे के मरने की स्मेल आ रही है। तो हमें लग रहा है कि कहीं आगे बोनट में चूहा तो नहीं मर गया, और अब तो बढ़ती जा रही है अभी। आइए अब रास्ते में कहीं गाड़ी रोक के, पहले बारिश तो कहीं रुके, कहीं रुके बारिश, कहीं रुकेगी, मतलब जहाँ पे भी रुकेगी वहीं पे रुकेंगे ना। एक बार चेक करना है कि बोनट में चूहा मरा है क्या। लग तो रहा है, कंफर्म हूँ वैसे ही मैं, देखते हैं। इसी ने रखी चूहा मारने की दवा, मैंने बोला था भगाने की रखो, दोनों रख दी। तो जी पेट्रोल पंप भी आ गया, पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रुकी है, और इसी छांव में इसी की आड़ में अपना बोनट भी चेक कर लेते हैं कि चूहे मरे हैं और कितने मरे हैं। खोलना बेबी, आज तुम्हें बोनट खोलना सिखाता हूँ, हाथ डालो, मिला खींचो, आज सीख गई। ऐसा लग रहा है चूहा मर गया बोनट में। बोनट में हाँ बदबू आ रही है बहुत, बहुत बार है ना। वो बंद करना इंजन, क्या लग रहा है मरा तो कंफर्म है, जितनी मरा है। जितनी गंदी बदबू आ रही है ना भैया, चेक करो जरा भैया, कुछ हो सकता है क्या, कुछ हो सकता है क्या, निकल सकता है, या तो कुछ हो सकता है क्या जिससे गाड़ी के अंदर बदबू ना आए। जहाँ टिकने की जगह होगी ना वही बैठा होगा, हाँ वही बैठ के मरा होगा। मिल गया हाँ मरा हुआ, ये उसका हाथ है ना। क्या हो रहा है यार, एक तो इंजन इतना गर्म है कि उसमें हाथ डाल नहीं सकते, दो लकड़ियां डाल के खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चूहा इतना भारी और इतना मोटा है कि वो ऊपर आएगा नहीं ऐसे खींचने से। तो अब एक ही रास्ता है कि इंजन थोड़ा ठंडा होने का इंतजार किया जाए, क्योंकि क्या कि इंजन गर्म होने की वजह से ना वो भुन भी गया। छी, कैसी बातें कर रहे, फ्राई हो गया चूहा। मैं गाड़ी में बैठी थी ना तभी मेरे को एक शक हुआ था, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा रुकती हूँ, आगे कन्फर्म हो गया। और मैंने इसको बोला चूहा है तो है, ये मान नहीं रहा था। क्यों मान नहीं रहे थे बेबी, मेरी बात, बदबू नहीं आई थी ना तब तक मुझे, लेकिन मेरे को घर से चलते हुए आ गई थी। मुझे जब वो भुना है ना रोज है, उसके बाद स्मेल आई है। कहाँ को है ये, ये देखो सामने ही है, हाँ दिख गया दिख गया सामने ही है, हाँ उल्टा गिर लेना, हाँ हाँ बंद है, निकला नहीं, निकल जाएगा, लेकिन अब अंदर जब हाथ चला जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा ना कुछ। हाँ देखना, ओ शिट, अयो बाकी चूहा कहाँ है, वो तो सिर्फ पैर निकला, गल गया अंदर, निकला है। अरे बाप रे बेबी, कैसे निकाला अभी इनको, इनको जाके पूछो साबुन किधर है, हाथ धो ठीक तरह से, साबुन पता करो और हाथ धो के भैया बताना। अरे कोई कोई है नहीं यहाँ पे, पहले मैं देख लूँ और एक ही नहीं। अयो उसकी मुंडी थी कि नहीं थी, हाँ सब कुछ था बेबी, पक्का, हाँ क्योंकि तो मुंडी कहीं अंदर तो नहीं रह गई, कोई थी मुंडी की नहीं, हाँ थी, ये लो। हे भगवान बेबी, आज क्या काम कर दिया ना, जो मैंने हाथ डाला है अंदर और मैंने उसकी किसी तरह टांग पकड़ी है, हाँ टांगी अलग हो गई ना, टांग हाथ में आ गई। बाप, दूसरी बार जो मैंने निकाला ना, तुमने देखा, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मैंने आंख बंद करके साइड में किया और लेके चल दिया उसको। तो जी हमने सिग्नल से खरीद लिए हैं, ये किसके, मोगरा के फूल, जिसके भी हैं, खुशबू तो दे रहे हैं, लेकिन चूहे की बदबू से छुटकारा पाने के लिए जो हम कभी नहीं करते वो हमने किया है। हमने की, मैं कह रहा हूँ इसको अपने गजरे में लगा लो, गजरे मतलब अपने बालों में लगा लो, एक दोनों कान पे एक लटका लो, बस गाड़ी चलाती रहो। क्या खुशबू आई है बड़ी देर के बाद, गजरा गजरा था वो,
अखियों में ऐसा डाला कि आ गया देखो कॉपीराइट, उड़ गया वीडियो, हो गया साइड। अरे गौरथम में ना पहुंचा वीडियो, गौरथम एल्गोरिथम। टोल नाका आ गया और हम भूल गए कि हम आज मर्सिडीज लाए हैं और इसका जो फास्ट टैग है वो अभी तक लिंक नहीं है हमारी गाड़ी से, तो हमको भरना पड़ेगा डबल टोल। क्यों ऐसा किया तुमने? अरे मैं भूल गया ना यार की वाली गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब आगे भी ऐसे ही करते जाओगे फास्ट टैग? नहीं नहीं, अब यहाँ से निकल के कुछ करता हूँ मैं, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा ना। पैसा निकालो, पूछो कितना देना है। भैया हमारा वैलिड नहीं है। कितना हुआ भैया? तुमने पता क्या किया है? तुमने शरीफ आदमी की तरह पहले बताया भैया हमारा वैलिड नहीं है और गाड़ी लेके निकलने लगी हो। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, तो उसको लगा जब वैलिड नहीं है तो आप निकल क्यों रहे हो, तो तुम्हें ये लगा कि सच बता दिया तो शायद जाने देगा, पैसे नहीं लेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं था भैया, वैलिड नहीं है। है अभी सिर्फ वॉशरूम होके आ जाओ, अब तो पहुंचने वाले कॉफी वॉफी मत लो। अब लोग लंबी गाड़ी चलाई तुम्हारे लिए, तो गाड़ी तो लंबी है इसको चलाना क्या है? ध्यान से ध्यान से। अरे ध्यान से ही हो, ध्यान से ही हो। दोसी लाल दोसी अमेरिकानो। हवा भरने वाले ने बोला था आगे वाले टायर में कम हवा है ना, ऐसा मुझे लग भी रहा है।